तपस्वी घोर तपस्या करते हैं तब जाकर उन्हें प्रभु के दर्शन का लाभ मिलता है। किंतु ये चोर जिसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया उसे प्रभु ने दर्शन और आशीर्वाद क्यों दिया? प्रभु, वो प्रभु दर्शन के योग्य कैसे बन गया? राम नाम की महिमा से, जिस नाम का जाप वो निरंतर करता रहा, जब से वो पुस्तक चुराने चला था, अनजाने में ही सही प्रभु श्री राम का नाम जपता रहा था। ये उसी का परिणाम था कि जैसे ही उसने इस जन्म में प्रभु श्री राम का नाम जपना आरंभ किया, उसे उन सभी कर्मों का फल मिल गया। क्या हो गया है तुम्हें? जो करने आए थे वो करो, भूल गए क्या? पुस्तक चुराने आए थे? पुस्तक जिनकी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम करते हो, ऐसे महान संत के घर कोई क्या चोरी कर पाएगा? ऐसे संत के घर में चोरी करना सोचना भी पाप के समान है। ये क्या बोले जा रहे हो? ना यह प्रभु है, ना ये कोई महान संत। नहीं, जो स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा हो वो असत्य कैसे हो सकता है? प्रभु थे यहाँ स्वयं प्रहरी बनकर। किस चोर पर विश्वास कर लिया मैंने? ये तुम नहीं करोगे तो मुझे ही करना होगा। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है ऐसे महान संत तुलसीदास जी पर, इनकी सेवा में ही पुण्य है। अब मैं यहीं रहकर इनकी रक्षा करूँगा, इनके द्वार की, जिससे कोई भी आकर इनकी महान पुस्तक चुरा ना सके। तुम्हें नहीं चुरानी तो हटो यहाँ से, मुझे उठाने दो पुस्तक। अब तो मैं सुबह ही हटूंगा। सूर्य उदय हो रहा है, अर्थात मेरी योजना के सफल होने का समय। तो अभी तक वो चोर आया क्यों नहीं? गुरुदेव, कहाँ है वो पुस्तक जो अभी तक मेरे हाथों में होनी चाहिए थी? थोड़ी कठिनाई आ गई गुरुदेव, वो चोर दगा दे गया। दगा दे गया? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो भाई? संत तुलसीदास जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे रे, क्या हुआ? मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? क्या अपराध हुआ आपसे? अपराध की भावना मन में आ जाए तो वो अपराध के समान ही होता है। ये तो रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ चुराने का अपराध किया था मैंने। बाकी तो मैं संभाल लूंगा गुरुदेव, बस एक चिंता है, यदि उसने तुलसीदास जी को बता दिया कि हमने उसे भेजा है तो। हम ये बात समझ गए कि आप श्री रामचरितमानस चोरी करने आए थे, किंतु आपको इससे क्या लाभ होता? और श्री रामचरितमानस चोरी करने के पीछे जो मंशा थी, उसके पीछे कारण क्या था? कारण क्या पूछते हो मित्र? प्रभु स्वयं यहाँ आए थे और हम उनके दर्शन नहीं कर सके। मेरे लिए केवल यही बात महत्वपूर्ण है। आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने ही आपको क्षमा दान भी दे दिया। अद्भुत है प्रभु की लीला भी, मुझ जैसे पापी पर दया कर दी करुणा निधान प्रभु श्री राम ने। मैंने तो उनके नाम जपने के सिवा आज तक कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। भाई, आपने जो भी किया वही पर्याप्त था। बस बहुत हुआ, अब और नहीं।
बहुत सोच लिया उस तुलसीदास के बारे में। हमने उसके घर में चोर को भेजा था, यदि उसे उसका पता चलता है तो चल जाने दो, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ इतना जरूर है, इससे पहले वो मुझ पर आरोप लगाए मुझे ही कुछ करना होगा। इसका अर्थ ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्ञान तक कुछ ना समझ सका, वो अभी भी नहीं रुका है ना गजानन। जिसके मन में जो भाव होता है वो उसी धुन में रमा रहता है। ज्ञान दत्त ईर्ष्या एवं द्वेष के भाव से प्रेरित था तो वो उसी धुन में आगे बढ़ता गया और तुलसीदास जी को रोकने का उपाय सोचता रहा, उसी का प्रयास करता रहा। किंतु तुलसीदास जी भक्ति के भाव से ओतप्रोत थे तो वो निरंतर रामचरितमानस का प्रचार करते रहे। तो क्या भक्ति के प्रचार के महान कार्य में उन्हें सफलता मिली? पिता श्री प्रभु महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद था उन्हें, प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि थी उन पर, इसलिए सफलता तो उनकी नियति थी और वो उसी के पथ पर अग्रसर थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा है, कहाँ से सीखा तुमने? रामचरितमानस के पाठ को सुनकर इसे समझ पाना और इसे याद रखना दोनों आसान है। एक बालक भी हमारे ग्रंथ को समझ सकता है और उसे वो याद भी होने लगा, यही है हमारी सफलता का पहला चरण। जय श्री राम। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। श्री राम जानकी विवाह का इतना सुंदर वर्णन, वो भी इतने सरल शब्दों में, मैंने आज तक नहीं सुना। तुलसीदास जी शब्दों के धनी हैं। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुर, ऐसी एक नहीं पूरे 4608 चौपाइयां लिखी हैं संत तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में। आप सभी को भी मेरे साथ उनके राम कथा पाठ में चलना चाहिए। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु, आपका ही आशीर्वाद है जो मैं आपके कार्य को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा हूँ। बोलिए मेरे साथ, मंगल भवन अमंगल हारी। इस घोर कलयुग में भी राम भक्ति की गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है। प्रभु श्री हनुमान कल्याण हो। प्रभु आप स्वयं आए हैं तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। जहां राम नाम की गूंज है वहां सब विशेष है। तुलसीदास तुम्हारी रचना प्रसिद्ध हो रही है ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु इससे तुम्हारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है। अब तुम्हें निरंतर अपनी रचनाओं से समाज में धर्म का प्रकाश फैलाना होगा, जैसा तुमने अपनी एक चौपाई में स्वयं कहा है तुलसीदास। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहुविधि सब संता। राम चंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान तो अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, इसीलिए तुमने ये जो आरंभ किया है ये तो अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहना चाहिए। परंतु प्रभु यदि मैं भविष्य में ऐसा करने में असमर्थ रहा तो? जैसे प्रभु की कथा अनंत है उसी प्रकार तुम्हारी रचना भी अनंत काल तक बनी रहेगी, किंतु इस धर्म यात्रा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी होंगी। ऐसे समय में बस इतना स्मरण रखना होगा कि जिसके शीश पर प्रभु श्री राम का हाथ हो उसे भला कौन रोक सकता है। रोकूंगा, उस तुलसीदास को मैं अवश्य रोकूंगा। गुरुदेव लगता है आज भारी वर्षा होगी, आज जाना आवश्यक है। हाँ, हम संस्कृत भाषा के ही नहीं
अनेकों भाषाओं के महाज्ञानी श्री मधुसूदन सरस्वती से मिलने जा रहे। वो तो मैं समझ गया गुरुदेव, किंतु आज ही क्यों? क्योंकि जो करना है वो आज ही करना है। एक बार सरस्वती जी तुलसीदास के उस काव्य को नकार दे, फिर उसे कोई महत्व नहीं देगा। किंतु वो तुलसीदास जी की रचना को नकारेंगे क्यों? क्योंकि उनके अनुसार एक बिंदु भी यदि अपने स्थान पर ना हो तो कार्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। ज्ञानी श्रेष्ठ, इसमें कोई बड़ी भूल तो नहीं, बस एक छोटी सी त्रुटि ही तो है। एक छोटी सी त्रुटि भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। आप अपनी सभी त्रुटियों का निवारण करके उसके पश्चात ही अपनी रचना को मेरे पास लेके आइए। ओहो, समझ गया। इतने बड़े काव्य में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी। तब मधुसूदन जी तुलसीदास जी की इस रचना को अमान्य कर देंगे। यदि तुलसीदास की रचना को उन्होंने अमान्य कर दिया तो साहित्य जगत में उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। बस अब उन्हें ही ऐसा करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। गुरुदेव, ये तो लिखने में इतने व्यस्त है कि इधर देख भी नहीं रहे, तो क्या हम ऐसे ही हाथ जोड़े खड़े रह जाएंगे? हाँ ज्ञानदत्त जी, अब कहिए कैसे आना हुआ? हे ज्ञानी श्रेष्ठ, आप अद्वैत के महाज्ञानी हैं। आपने गीता के सार को आत्मसात कर जनमानस तक पहुंचाया, किंतु एक बहुत बड़ा परपंच आपसे छिपा रह गया। आपके यहां काशी में रहते हुए बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है गुरुदेव। स्वयं को संत कहलवाने वाले तुलसीदास, उनका दावा है कि उन्होंने राम कथा साधारण भाषा अवधि में लिखी, और वो भी कविता के रूप में। और वो यही नहीं रुके, स्वयं महादेव को अपना साक्षी बना दिया। आप ही बताइए गुरुदेव, ये भला कैसे संभव है? ऐसे ढोंगी को उसके तथा कथित ग्रंथ के प्रचार से हमें रोकना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है गुरुदेव। आपने उनके काव्य को पढ़ा है? नहीं गुरुदेव। फिर बिना पढ़े आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो काव्य अच्छा है या बुरा? आप ही उस काव्य को पढ़ने की कृपा कीजिए गुरुदेव, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। बस पढ़कर आप इतना कह दीजिएगा कि साहित्य के जगत में उसका कोई स्थान नहीं। मेरी उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। उचित है गुरुदेव, तो मैं ऐसा उपाय करूंगा कि स्वयं तुलसीदास अपना वो काव्य लेकर आपके पास आएंगे। प्रणाम गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, अभी तो आप इतना व्यस्त हैं, फिर सारे कार्यों को छोड़कर आपने इस रचना को पढ़ने की हामी क्यों भर दी? वही योद्धा युद्ध में आहत होते हैं जो युद्ध के मैदान में जाते हैं। तुलसीदास पे दोषारोपण हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ रचा है। साहित्य समाज में हलचल है, इसका अर्थ है उसमें कुछ अवश्य विशेष है, इसीलिए तो उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए। आप तो तुलसीदास जी के आलोचक हैं, उनकी नित्य नई निंदा करने के उपाय ढूंढते रहते हैं, फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? मित्र श्रीकांत, अतिथि देवो भव, और आप इनका इस प्रकार से स्वागत करेंगे सत्कार के स्थान पर प्रश्न पूछकर। ज्ञानदत्त जी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, आइए पधारिए। मित्र, इनके लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी, लगता है फिर कुछ लिख रहे हैं आप। हाँ, गीतावली, प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करने वाले गीतों का एक संग्रह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे? मेरी टिप्पणी आपके लिए कहाँ महत्व रखती है तुलसीदास जी, किंतु अगर मधुसूदन शास्त्री जी से पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु
वो मेरी रचना को क्यों पढ़ेंगे भला? क्यों नहीं पढ़ेंगे? उसकी व्यवस्था मैं करके आया हूँ। किंतु यदि आपको लगता है आपकी रचना रामचरितमानस उस योग्य है, तो ले जाइए उसे मधुसूदन शास्त्री जी के पास। यदि योग्य ना होती तो स्वयं प्रभु महादेव को सुनाने के पश्चात मैं ये रचना किसी और को सुना ही ना पाता। तब तो एक पल भी विलंब मत कीजिए, जाइए और अपने विश्वास की पुष्टि उनसे भी करवा लीजिए। जल लीजिए। नहीं नहीं, धन्यवाद। तुलसीदास जी, मुझे तो इन सब में कोई षड्यंत्र दिखाई देता है। मधुसूदन शास्त्री जी ने समीक्षा की और उन्हें रामचरितमानस अच्छी ना लगी, तो लगता है ज्ञानदत्त जी यही चाहते हैं। इस धर्म यात्रा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में बस इतना स्मरण रखना होगा कि जिसके शीश पर प्रभु श्री राम का हाथ हो, उससे भला कौन रोक सकता है। प्रभु श्री राम की कृपा है मुझ पर और श्री रामचरितमानस पर भी। मैं अपनी ये रचना श्री मधुसूदन जी के समक्ष अवश्य लेकर जाऊंगा। किंतु ये यदि ज्ञानदत्त शास्त्री की कोई योजना हुई तो? योजना हुई भी तो क्या, होगा तो वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। सफल हो गया, हमारा प्रयोजन सिद्ध। अब बहुत जल्दी सब इसकी रचना को नकारने लगेंगे, क्योंकि महाज्ञान महाविद्वान कोई भी उसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा। तुलसीदास जी, आइए आइए, मैं ले चलता हूं आपको शास्त्री जी के पास। आइए। गुरुदेव, संत तुलसीदास जी आ गए हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। ज्ञानदत्त जी, ये वही कविवर तुलसीदास जी है ना, इनकी चर्चा आप मुझसे कर रहे थे? जी गुरुदेव, ये वही तुलसीदास। स्वागत है आपका। इतने कम समय में कुछ ही लोगों को इतनी प्रसिद्धि मिल पाती है जो आपको मिल रही है। आपकी रचना रामचरितमानस की मैंने बहुत ही प्रशंसा सुनी है, किंतु जब तक मैं स्वयं उसे न पढ़ लूं, मैं उसके बारे में कोई मत कैसे बना सकता हूं? आपका कथन सर्वथा उचित है ज्ञानी श्रेष्ठ। मैं इसी प्रयोजन से ही यहाँ आया हूँ। आप अवश्य ही मेरी रचना को पढ़िए। लीजिए, मैं श्री रामचरितमानस आपको सौंपता इस आशा के साथ कि यह आपको अवश्य भाएगी। परंतु ज्ञानी श्रेष्ठ, मेरी एक विनती है। इस रचना में मेरे प्राण बसते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मैं अपने प्राण आपको सौंप कर जा रहा हूं। जिन्हें अपने कार्य पर विश्वास होता है वो किसी भी परीक्षा से नहीं डरते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।